संगीत बजाने या गाने सीखते वक्त आपको शुद्ध सुरों के बीच के अंतर की समझ होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये समझ पक्की हो जाने के बाद आप किसी भी पट्टी में बजा या गा सकोगे। सा से एक स्टेप पर रे पड़ता है, रे से एक स्टेप पर ग पड़ता है, ग से आधे स्टेप पर म पड़ता है, म से एक स्टेप पर प पड़ता है, प से एक स्टेप पर ध पड़ता है, ध से एक स्टेप पर नी पड़ता है और नी से आधे स्टेप पर सा पड़ता है। ये सुरों के बीच के अंतर को यानी ये हाफ स्टेप और वन स्टेप क्या होते हैं इसको हारमोनियम पे ठीक तरह से समझ लेते हैं। अब देखिए, ये है सफेद एक पट्टी जिसको नेचुरल पट्टी कहा जाता है, नैसर्गिक पट्टी। ये हरेक सुर के बीच का जो अंतर है इसको हाफ स्टेप कहते हैं। जैसे ये सी है और ये सी शार्प है, तो ये दोनों के बीच का अंतर हो गया हाफ स्टेप। सी शार्प और डी, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया हाफ स्टेप। डी और डी शार्प, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया हाफ स्टेप। डी शार्प ई, ये दोनों के बीच का अंतर हो गया हाफ स्टेप। ये काली चार में हम सारे गम प ध नि सा बजाएंगे। पहले के चार्ट पे आपने देखा है ग म और नी सा, ये दो जोड़ियां हाफ स्टेप पर आती है। वो कैसे, ये देख लीजिए। ये है काली चार का सा, जी शार्प सा, सा रे। अभी सा और रे ये दोनों का अंतर जो है ये एक नोट का है। ये दोनों नोट्स के बीच में ये हाफ स्टेप पर जो सुर बचता है ये है रे कोमल। अभी सा रे और ग एक स्टेप पर आगे ग। अभी ये रे शुद्ध और ग शुद्ध इसके बीच में जो हाफ स्टेप पर पड़ता है ये है ग कोमल। अभी सा रे ग म, ग और म ये दोनों हाफ स्टेप पर आ गए। अभी सा रे ग म प, म शुद्ध और प ये दोनों के बीच में ये आधे स्टेप पे सुर है, ये है म तीव्र। अभी सा रे ग म प ध, प और ध, प शुद्ध ध शुद्ध इसके बीच में ये जो नोट है ये है ध कोमल। अभी आगे सा रे ग म प ध नी, ध और नी, ध शुद्ध और नी शुद्ध इसके बीच में ये जो है ये है आधे स्टेप पर नी कोमल। सा रे ग म प ध नी सा, नी और सा, नी और सा ये हाफ स्टेप पे आ गए, इनके बीच में कोई सुर नहीं बचता। तो ये है कॉमन रूल जो आप किसी भी पट्टी में अप्लाई कर सकोगे और किसी भी वाद्य पर। अभी ये मैं मिसाल के तौर पर आपको बी स्केल से बजाकर दिखाता हूँ। ये है बी स्केल यानि सफेद सात। यहाँ से मैं सारे गम बजाता हूँ सारे। अब सा और रे ये एक स्टेप पे आ गए, उनके बीच में आधे स्टेप पे ये जो है ये है रे कोमल सारे। अभी रे शुद्ध और ग शुद्ध ये दोनों के बीच का अंतर है एक स्टेप। अब आधे स्टेप पे ये जो आता है ये है ग कोमल सारे ग। अभी देखिए ग और म ये दोनों हाफ स्टेप पर आ गए, ग शुद्ध म शुद्ध ये हाफ स्टेप पर आ गए सारे ग म प। ये म शुद्ध और प इनके बीच में ये जो हाफ स्टेप पर लगा ये है म तीव्र। सारे ग म प ध प शुद्ध और ध शुद्ध ये दोनों के बीच में हाफ नोट जो लगा वो है ध कोमल।
सारे ग म प ध नी। ध शुद्ध और नी शुद्ध, इन दोनों के बीच में हाफ स्टेप पर ये जो आया ये है नी कोमल। सारे ग म प ध नी सा। अभी देखिए नी सा, ये दोनों हाफ स्टेप पर आ गए। व्हाट्सएप वीडियो, काइप, जूम या गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन संगीत सीखना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान। गाने या बजाने में खटका, मुरकी, मींड, गमक जैसी हरकतें लेने से ही गाना मधुर कहलाता है। आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधाजनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे। ये हमारा पिछले 10 साल का अनुभव है।